हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड ऑन स्टॉक्स। एंड एज डिस्कस्ड कि आज फिस्कल ईयर 22-23 का पहला दिन बहुत ही बड़े ग्रीन साइन के साथ में हमें देखने को मिला है, खासकर आधा घंटा, लास्ट का वो आधा घंटा जिसने निफ्टी को 17,700 तक पहुंचा दिया, वो अपने आप में एक ब्रिलियंट मूव था। और मोर ओवर हम लोग आज निफ्टी की वीडियो तो देखिए बनाएंगे नहीं क्योंकि आज है फ्राइडे, बट मैं आपको बता दूं आज भी एफआईआई जो है नेट बायर्स बन के निकल के आए हैं। तो प्रीवियस तीन ट्रेडिंग सेशन से लगातार जो एफआईआई हैं वो बाय कर रहे हैं। एक साल कंटिन्यूअस सेलिंग करने के बाद में अप्रैल से सेलिंग शुरू करी थी, अप्रैल 2021 से, और अब मार्च 2022 में उन्होंने खत्म करी है। तो 12 महीने सेलिंग के बाद में अब यहां पर अगले साल के लिए यानी कि FY23 के लिए बाइंग साइड में FIIs का रुख दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा रहता है तो डिस्पाइट ऑफ नेगेटिव ग्लोबल क्यूज हम लोग एक स्टेग्नेंट पोजीशंस पर आ सकते हैं जो 18,600 के उस ऑल टाइम हाई को अचीव कराने में दोबारा से हमें मदद करे। चलिए इस वीडियो में अडानी विल्मार लिमिटेड के बारे में आपके साथ में कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, इस स्टॉक को लिस्ट हुए अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है एंड इस स्टॉक ने अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से लगातार ऑल टाइम हाई लग रहा है। 226 रुपीज के आसपास इसके स्टॉक प्राइस ने काम करना शुरू किया था स्टॉक मार्केट पर जिस दिन ये लिस्ट हुआ, एंड आज अगर आप देखेंगे 542.70 को एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है। हम लोग अभी देखेंगे कितने ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं एक्चुअली में इसको लिस्ट हुए हुए चार्ट्स के ऊपर। फिलहाल आप डेटा देखिए, 5% की तेजी आज आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। एंड जो सिचुएशन है वो क्या रही है कि जिस दौरान ये लिस्ट हुआ मार्केट में आया उस दौरान यूक्रेन रशिया का इशू मार्केट में रहा, यूएस फेड की टाइटनिंग पॉलिसी का असर मार्केट में रहा, लेकिन इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को बिना रुके बिना थके एक बहुत ही शानदार रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। आप देखिए क्या सिचुएशन है, 227 रुपीज पर इसका ऑल टाइम लो है जो 8th of February 2022 का है, एंड 542.70 का आज अपर सर्किट के साथ में इसका ये 52-week हाई लगा है 1st April को। आज की डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो 27% के आसपास आती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, मैं आपको डेटा पर लेके चलता हूं, बट डेटा के हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें या बहुत कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी जो लिस्टिंग है वो हुई है देखिए 8 फरवरी को। 8 फरवरी के बाद में लगातार ये स्टॉक या फिर मैं कह दूं कि ये आईपीओ एक ऐसा रहा है जिसने बहुत दिनों के बाद में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा पैसा कमा के दिखाया है। अदरवाइज जितने भी हमने अभी तक देखे हैं आईपीओज वो काफी हद तक फेल होते हुए नजर आए हैं। आप देखिए सिचुएशन क्या है, इस स्टॉक ने अपने 227 रुपए के जो लो लेवल्स हैं यानी कि जहां से शुरुआत करी थी ये लेवल से अब तक तकरीबन 315 रुपए का मूव दिखा दिया है। अगर आज का आप हाईएस्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं जो 542.70 का है, एंड ये अप्रोक्सीमेटली 140% हो जाता है, 140% का रन इस स्टॉक ने दे दिया है। उससे भी बड़ी बात आप देखिए, केवल 36 ट्रेडिंग सेशंस में ये 140% का मूव इस स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसका कारण क्या है आपको समझना चाहिए। देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं किसी स्टॉक के अंदर प्राइस ऊपर जाने को लेके। जब मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव ट्रेंड में था, हमने 15,600 के भी लेवल्स को टच करते हुए देखा मार्केट्स को, तो ओवरऑल मार्केट में पैनिक सिचुएशन थी, लेकिन अडानी विल्मार जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। उसका मैं आपको कारण बताता हूं, एक्चुअली उसका कारण भी आपको यूक्रेन एंड रशिया की वॉर से निकलता हुआ दिखाई देगा। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इस टाइप के जो एडिबल ऑयल्स होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और उन सभी तरीके के ऑयल्स में पाम ऑयल का यूज करना होता है, यानी कि पाम ऑयल इनका मेन इंग्रेडिएंट है। अभी जो पाम ऑयल है ना, ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एडिबल ऑयल है। अगर इसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती है तो आपके खाने का जो तेल होता है, जो किचन में आप यूज करते हैं, उसके दाम बढ़ जाते हैं, सीधी सी बात यह है। एंड पाम ऑयल इस वक्त बहुत हाई लेवल्स पर कामकाज कर रहा है, बहुत हाई लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। तो जितना ज्यादा ये पाम ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे उतना ज्यादा अडानी विल्मार जैसी कंपनी को फायदा होगा, क्योंकि अडानी विल्मार कंपनी एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ में पाम ऑयल को बेच पाएगी। कैसे बेच पाएगी, देखिए अगर कोई चीज इंटरनेशनल मार्केट में भारी कीमतों पे मिल रही है तो जाहिर सी बात है कोई भी मैन्युफैक्चरर उसको भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उसको खरीदने के लिए। तो आप सोचेंगे कहां से उसको फायदा होगा, उसको फायदा होगा उनकी अनसोल्ड इन्वेंट्री पे, जो इन्वेंट्री उनकी अनसोल्ड पड़ी हुई है उसके ऊपर उनको फायदा होगा, यानी कि उनके स्टॉक में तेल पड़ा हुआ है लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में किसी ग्लोबल फैक्टर की वजह से रेट प्राइस ऊपर चले गए तो उनकी जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो भी उस बढ़े हुए प्राइस पर बिकेगी,
क्योंकि भाई ये कर रहे हैं बिजनेस, इनको कोई उस चीज से लेना देना नहीं है कि प्राइस आपके पास में रीजनेबल रेट्स पे पहुंचना चाहिए मटेरियल या फिर नहीं, तो यहां पर उसका फायदा मिलेगा। तो स्टॉक मार्केट में यही चीज चमकती हुई दिखाई दे रही है कि 315 रुपए का गेन आपको यहां पर देखने को मिला है मात्र 36 ट्रेडिंग सेशन में, ऑलमोस्ट एक महीना 6 दिन के अंदर अगर आप देखेंगे। तो ये जो सिचुएशन है ये काफी ज्यादा दिनों तक अभी और रह सकती है, यानी कि इसी तरीके से इसके प्राइस ऊपर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो पाम ऑयल की प्राइसेस है उसका नीचे आने का कोई मूड नजर नहीं आ रहा। वो एक अलग बात है कि अगर यूक्रेन रशिया का जो टेंशन है वो एकदम से सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे तो क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोल वाला ऑयल और ये पाम ऑयल दोनों नीचे की तरफ गिर सकते हैं, लेकिन फिलहाल टारगेट देना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है केवल कॉमोडिटी प्राइस की वजह से कि कॉमोडिटी प्राइस बहुत हाई है, ये कुछ और दिन इस तरीके से चल सकता है, लेकिन मैं समझता हूं एक ट्रेड यहां पर रिस्की हो चुकी है। आप देखिए किस तरीके का मूव इस स्टॉक में बना हुआ है, ये मैंने आपको डिटेल्स तो दिखाई दी है। अगर आप मूव देखें तो यहां पर 347-350 के बाद में बहुत ही स्ट्रेट मूव इसने लिया है विदाउट एनी हॉल्ट। ऐसे मूव के अंदर मैं समझता हूं ये जो कंडीशन होती है इसको हम लोग ओवर स्ट्रेस्ड कंडीशन कहते हैं, और ओवर स्ट्रेस्ड कंडीशन कभी भी फेयर वैल्यू नहीं दर्शाती किसी स्टॉक के अंदर, यानी कि वो एक मोमेंटम की वजह से एक इंपल्सिव रिएक्शन की वजह से आई भी होती है और उसके बाद में जब गिरावट होती है तो बहुत शार्प गिरावट भी हो सकती है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आपको प्ले करना है अडानी विलमार लिमिटेड में, जिसका सवाल बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में, तो याद रखिए इंट्राडे पर कीजिए, क्योंकि पता नहीं कब किस वक्त एक पॉजिटिव न्यूज यूक्रेन रशिया से आ जाए और ये तेल के भाव नीचे गिरते हुए दिखाई दें। तो इंट्राडे में कीजिए, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन उसको होल्ड कीजिए, इसके बाद में प्रॉफिट को बुक करके और एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि जब ये गिरेगा तो बहुत शार्प गिरावट भी दिखा सकता है। मैं कंपनी बुरी है इसके बारे में बात नहीं कर रहा, हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ कि ये मूव क्यों आया है, क्यों इतना बड़ा मूव यहां पर इसके अंदर आता हुआ देखने को मिला है। आई होप ये रीजन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि टेक्निकल तो मेरे पास में इसमें कुछ ज्यादा है नहीं बताने को लेके, और 1-1.5 महीना अगर किसी स्टॉक को अभी लिस्ट हुए हुआ है तो टेक्निकली आप उसके अंदर कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते, कुछ भी जज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो रीजन था ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अडानी विलमार के अंदर इतने ज्यादा लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इतने ज्यादा लोग ये चीज बोल रहे हैं कि आप बताइए अडानी विलमार के ऊपर कि क्या आप इस स्टॉक के अंदर पोजिशन बनाना सही है या नहीं। तो मैंने अपनी राय इस वीडियो में आपको दे दी है, ज्यादा बेहतर आप खुद समझते हैं कि अब आपको ना क्या है। तो इस वीडियो में देखिए फिलहाल इतना ही, इसे ठीक पहले एक और स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो में डाल चुका हूं, वो वीडियो भी आप जाकर चैनल के ऊपर जरूर चेक कर सकते हैं, जो कि है टाटा पावर की, और उसके अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इस बार शायद वो प्रीवियस रेजिस्टेंस क्रॉस होता हुआ दिखाई दे, तो अगर आपके पास में टाटा पावर है या आप पोजीशंस बनाने की सोच रहे हो तो वो वीडियो भी आप जाकर जरूर चेक कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मिलूंगा बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू बाय।